सरसों, सोयाबीन, पामोलिन सहित कई खाने के तेल हुए महंगे। मांग बढ़ने से बिनोला तेल की कीमतों में भी आया उछाल। दरअसल पिछले हफ्ते शिकागो एक्सचेंज में 1.5% की मजबूती के साथ कारोबार बंद होते हुए देखा गया। साथ ही किसानों ने निचले भाव में बिकवाली भी कम की। इससे दिल्ली के तेल तिलन बाजार भी पिछले हफ्ते में थोड़ी तेजी के साथ बंद होते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा तेलों की मांग भी बढ़ती दिखाई दे रही है। सरसों, सोयाबीन, तेल तिलहन, पिनोला, सीपीओ और पामोलिन तेल की कीमतों में कुछ तेजी आई है, जबकि मूंगफली तेल तिलन के भाव में फिलहाल कोई अंतर देखने को नहीं मिला है। मिली जानकारी के मुताबिक किसान निचले भाव में सोयाबीन नहीं बेच रहे। हल्का तेल होने की वजह से सरसों, मूंगफली और सोयाबीन तेल की सर्दियों की मांग बढ़ चुकी है। इस परिस्थिति में एक ओर जहां सरसों और सोयाबीन तेल तिलन कीमतों में तेजी देखने को मिली है, तो वहीं मूंगफली के तेल तिलनों में कोई बहुत ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिला है। वहीं सस्ता होने की वजह से पामोलिन और सीपीओ की मांग बढ़ने से इसकी कीमतों में सुधार आया है। हल्के तेल होने की वजह से मांग होने के कारण बिनोला तेल की कीमतों को भी सपोर्ट मिलता दिखाई दिया है। उधर गुजरात स्टेट एडिबल ऑयल एंड ऑयल सीड एसोसिएशन के अध्यक्ष समीर शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित अपने पत्र में कहा है कि देश में तिलन उत्पादक किसानों का संरक्षण किया जाए और खाद्य तेलों के आयात पर अंकुश लगाया जाए। सरकार को देश में तेल तिलन उत्पादन बढ़ाने के लिए मिशन रोड मोड पर काम करना होगा, नहीं तो आयात पर निर्भरता बढ़ती जाएगी। इस साल वर्ष 2021-22 में खाद्य तेलों का आयात बढ़कर लगभग 1,41,00,000 टन के स्तर पर जा पहुंचा है। वहीं आपको बता दें कि अभी फिलहाल खाद्य तेल की कीमतों में हल्की तेजी देखने को मिली है। फिलहाल बहुत ज्यादा तेजी बाजारों में आती हुई दिखाई नहीं दे रही। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।